इसे कर देते हैं पैक। देखिए ये मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा हो गया है। देखिए हेमल, गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी दिखो रहा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हरी मधु लाइफ स्टाइल में। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 12 बजने में, वैसे अभी आफ्टरनून हो जाएगा 20 मिनट में। और आज ना सब कुछ काम हो गया है और बाहर तो वेदर अभी भी रेनी ही है, बहुत ज्यादा ही, ना ही धूप है ना ही बारिश, हल्की हल्की बस बूंदे गिर रही है, रुक रही है, ऐसा सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया है, हेमल भी ऑलमोस्ट सुबह सुबह मार्केट चले गए हैं, बिकॉज बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो वो भी बोल के गए हैं कि मैं थोड़ा जल्दी मार्केट से आ जाऊंगा। तो फटाफट से नीचे किचन में जाएंगे और दोपहर का लंच बनाएंगे, क्योंकि कल मेरा फास्ट था जैसा कि मैंने बताया था। चले तो कुछ मस्त सा दोपहर का लंच बनाते हैं। वैसे दोपहर को लंच से ज्यादा आज रात का डिनर बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज हेमल को ना कब से मन था कि घर पे ना मसाला पाव में बनाऊं। मसाला पाव यानी कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो मिलता है ना उसे भरेला पाव कहते हैं। वैसे यहाँ पे जो भेल होती है ना वो पाव के अंदर पूरा ऐड करके चटनियां सब ऐड करके उसमें ऑनियन फिर वो भुजिया वो सब ऐड होता है, उस टाइप का हेमल को खाना है कब से। सो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को हेमल को घर पे वो बना के दूँ, तो इसलिए रात का डिनर तो कहते हैं ना लाजवाब सुपर्ब होने वाला है। वैसे भी इसे बारिश से मौसम में रहने से मौसम में बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, वो चटाकेदार खाना ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर से खाने से अच्छा है कि घर पे ही बना ले। सो चलिए अभी फिलहाल दोपहर के लंच की प्रिपरेशन करते हैं। सो गाइस लंच मेरा एकदम से बन के रेडी हो गया है और हेमल भी मार्केट से कब से आ गए हैं और यहाँ पे देखिए फ्रेश होके बैठ गए हैं। है गुड आफ्टरनून हेमल, जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बड़ा थोड़ा लेट हो गया खाना बनाने में, बिकॉज मैं दूसरे काम में लग गई थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वैसे भी देखिए अभी 2:30 ही हुई है, तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग लंच करने थोड़ी ही देर में बैठ जाएंगे। हेमल बाहर का मौसम कैसा है आज? बस हल्की हल्की बारिश है, धूप तो निकली नहीं है ना? नहीं निकली नहीं है धूप, तो ऐसा कुछ मौसम चल रहा है, बारिश आ भी नहीं रही है और जा भी नहीं रही है, ऐसा चल रहा है। तो चलिए हेमल फटाफट से गरम गरम सा लंच रेडी है, तो सो लंच कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्या बनाया वैसे आज? आज वो क्या कहते हैं फूल गोभी की सब्जी। फूल गोभी सब्जी और दूसरा दाल चावल सिंपल। चलो चलेगा। चले गाइस तो मस्त हमारा गरम गरम सा लंच यहाँ पे रेडी है और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए और हेमल भी यहाँ पे आ गए हैं लंच करने के लिए। तो पहले क्या था? पहले था बट अब कई बार क्या होता है ना, मैं यहाँ पे प्लेट एकदम से रेडी कर देती हूँ फिर भी ना हेमल ऐसे आटे मारते हैं और घूमने चले जाते हैं, बुलाना पड़ता है कि हेमल बैठिए बैठिए खाना खा लीजिए ऐसे, इसलिए बोल रही हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिये मस्त हमारी प्लेट रेडी है, जैसा कि बोला उसी तरह से आज सब्जी फुल गोभी की यानी कि फ्लावर की बनी है। yes. साथ में इसे आलू और बैंगन भी ऐड किए हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पे दाल चावल और आज फुल का रोटी घर पे बनी है, साथ में कर्ड और आइसक्रीम। और तुम क्यों इसे आइसक्रीम बोल रही हो? क्योंकि मेरी मर्जी मेरा घर, मैं कुछ भी बोल। वाह क्या सीन है। बटर मिल्क है बट मुझे ये देख के ना मक्खन देख के आइसक्रीम याद आ जाता है। आइसक्रीम नहीं खाने का अभी, नहीं खाने का ऐसे। yes. वेदर में आइसक्रीम खाएंगे ना तो बहुत मजा आता है। बात तो सही है। कौन कौन बोलता कौन है? मैं, हम बोलते हैं ऐसा, आइसक्रीम गोलगप्पे ऐसा ही खाएंगे। गोलगप्पा खाना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। जो गरम गरम होती है ना चीजें वो सब चलती है। कोई बात नहीं, मुझे सब चलता है। और कुछ? कुछ नहीं। चलो तो आज सिंपल सा है वैसे। हाँ सिंपल सा ही लंच है आज हमारा। चल सामने से हेमल ने बोल दिया कि सिंपल सा है, क्या करूँ कुछ नहीं है आज। हाँ वो पापड़ है पर भूल गई हूँ, देखो लेके आती हूँ। स्मार्ट गर्ल, अब भूल जाती हूँ, कितनी बार भूलूँ, सब कुछ लेके आना पड़ता है तो कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो चलिए अभी गरम गरम सा लंच हम लोग हमारा कर लेते हैं। तो गाइस चलिए शाम के टाइम की बहुत अच्छी तरह से पूजा भी हो गई है और साथ में भजन कीर्तन भी हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी भजन कीर्तन करते हैं तो मन में एक शांति मिल जाती है। और हेमल रेडी हो गए हैं और जा कहाँ पे रहे हैं वैसे आप? तो खाना नहीं है आज, स्किप खाना है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, आप कब तक आ जाएंगे? बस अभी 1 घंटे, 9 बजे आ जाऊंगा, 8 बजे। ओके तो मस्त गरम गरम बना के तब तक रेडी होती हूँ। आज बनने वाला है घर पे मसाला पाव। वैसे मसाला पाव बट हमारे यहाँ पे जो मिलते हैं ना वो, अच्छा वो वाला मसाला पाव जो भेल आती है ना
उसको सूखा भेल, हाँ सूखा भेल जो होता है ना, वैसे सूखा नहीं, उसमें चटनी ऐड होती है। हाँ, चटनी हाँ, तो उसमें पाव में लादी पाव में वो ऐड हाँ, होती है ना, वो पाव वो भेल अलग से बना लेने का और पाव में सब चटनी ऐड करके फिर भेल को पाव में ऐड करके उसके ऊपर ऑनियन फिर वो सेव उस तरह से वो सब कुछ करके फिर बनाऊंगी। वो अपन का वो देसी, यस हमारे यहाँ का पोरबंदर का, बाहर तो पता नहीं, बाहर नहीं मिलता, आई थिंक वैसा नहीं मिलता। हाँ बट हमारे पोरबंदर में जगह पर मिलता है, बट सभी जगह पर नहीं मिलता। पोरबंदर में तो बहुत ज्यादा ही टेस्टफुल मिलता है, वो जो बोल रहे हैं भर जाता है जब भी नाम लेते हैं तो ऐसे घुटड़ा भर जाता है। चलिए तो आज घर पे वो बनने वाला है, अभी जाती हूँ नीचे किचन में और प्रिपेयर स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस चलिए एकदम से डिनर बन के रेडी हो गया है और हेमल भी आ गए हैं मार्केट से वापस घर पे, तो फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मसाला पाव किस तरह से बनाते और खाते हैं। बिकॉज हेमल की रीत भी अलग है, मेरी भी रीत भी अलग है, वो भी क्या अलग है मेरी, हेमल कुछ अलग ही बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बनाती, बट कोई बात नहीं, चलिए हेमल कहते हैं। चलो पहले मेरी रीत दिखाता हूँ। हाँ पहले आपकी, चलिए चलो ये लीजिए और कमेंट करिए कि कौन सा सही है। सही मेरा ही वाला ही होगा, इजी पड़ता है ना वही सही होता है। हेमल अभी देखिए क्या करेगा, वो भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान सबको मिक्स करेंगे यहाँ पे। अरे कहना क्या चाहते हो पेम, मुझे पता है सही होता है हेमल का, हमेशा कुछ भी बनाने का और अलग ही होता है उसका। चलो कोई बात नहीं, चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा भी अलग मेरा भी अलग, ठीक है दो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बनाते। सबसे पहले तो ये लादी पाव आ गए है घर पे। चलिए तो फाइनली यहाँ पे हेमल अपना पाव बनाने का स्टार्ट कर रहे हैं, मसाला पाव, क्योंकि ये अलग ही बोल रहे हैं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सेम है, अलग सेम नहीं बट अलग है, बट ये फंस गया। चलिए देखते हैं, हेमल का मगजमारी वाला होता है, पहले ही बोल देती हूँ। देखिए देखो पाव को ऐसे ना, पहले देखिए ऐसे कट लगा लेने का पाव में, पहले ना इसमें चटनी डाल दीजिए। क्या चटनी? चटनी ये तीखी वाली है, ये थोड़ी पानी थोड़ी थोड़ी पानी जैसी है ना, इसलिए वो थोड़ी ठीक रखनी थी, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला चटनी अब इसमें डालेंगे, अब इसमें डालेंगे रिच ये वाली चटनी, ये जो रेडीमेड है हमारे, ये थोड़ी ही डालनी है बिकॉज़ बहुत ज्यादा वो खट्टी है, इमली की है ना इसलिए। यस पाव में बना देने का, फिर इसे लगा लेने का, चोपड़ देने का सब, थोड़ी सी ना इसमें वो गुड़ वाली चटनी। हां गुड़ वाली, चलिए ये पानी जैसी है ना इसलिए थोड़ी ही डाली है। एक पाव बनेगा तो दो दिन निकल जाएंगे, कोई बात नहीं चलेगा, दो दिन चलेगा। इसमें डालेंगे हम लोग ये हमारा आलू और चना, चना आलू और चने की फिलिंग जाएगी इसमें। हम लोग डालेंगे कांदा, ऑनियन, ऑनियन ठीक है, कांदा भाजी, कांदा भाजी डाल दिया। अब इसमें हम लोग डालेंगे, ऐड करेंगे टमाटर, देखिए पाव में टमाटर डाल रहे हैं, चलता है सभी में चलता है, रिक्स महंगे है 170 रुपए किलो है, चलेगा कोई बात नहीं, कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी कभी नहीं रोज खाते हैं। क्या है, क्या बोलते हैं इसे, चना दाल, चना दाल आ गई, चना दाल, पीनट्स, मूंगफली गुजराती में भी, देखो डूंगर बनाया है, चलता है डूंगर ही हमको खाना पसंद है। डबरे का आवाज क्यों कर रहे हैं। ना हम लोग इसमें डालेंगे मुरमुरे, मुरमुरे वो कैसे कुचा तो कीजिए, नहीं ऐसे ही चलता है इसमें, चलो कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं ऐड कर दीजिए ना, चलेगा। आपको ही खाना है मुझे क्या? यस मुझे ही खाना है, क्योंकि मैं तो मेरा अभी थोड़ी देर में अलग बनाऊंगी। ये हेमल की रीत है, देखिए ऐसे एक 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 से पूरे फैमिली मेंबर्स हो अगर ज्यादा उसे एक एक इस तरह से बना के देंगे तो मेरे ख्याल से सुबह से हम स्टार्ट करेंगे ना तो नेक्स्ट डे की सुबह को खाने को सबको मिलेगा, उसमें जो बनाने वाला हो उसे तो खाना ही नहीं मिलेगा, वो कंटाल जाएगा। अभी मेरी रीत देखना, मैं दिखाऊंगी आपको, कोई बात नहीं चलो अभी दिखाता हूँ। चलिए अभी इसमें लास्ट वन ऐड करेंगे, यस क्या लास्ट वाला, ठीक है, जो कि है भुजिया, और ये बहुत अच्छी होती है, ये जो छोटी छोटी होती है ना वो। अब इसमें ऐड करेंगे ये नमक, थोड़ा सा, मैं ना ज्यादा खाता हूँ, चलता है। हाँ बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा, चलता नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, इशू आता है फिर, कोई बात नहीं। देखिए फिर से चटनियाँ डाल रहे हैं इसमें, इतनी किसमें चटनी का ही टेस्ट आएगा, यस चटनी का ही टेस्ट आता है, अच्छा नहीं लगता मुझे, लगता है अच्छी बात। फाइनली हो गया हमारा रेडी, रेडी 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 खाना है इसे। यस ऐसे इसे कर देते हैं पैक, देखिए इसमें ज्यादा तो भी नीचे गिर जाएगा, वो चलता है, चलता है नहीं कुछ नहीं चलता, ऐसे ऐसे देखो पकड़ने का, देखिए अब ये बन गया है हेमल का मसाला पाव। यहाँ पे इसे भरेला पाव भी कहते हैं क्योंकि ये भेल वाला होता है इसलिए, तो मैं ट्राई करूंगा, देखिए सुपर बहुत टेस्टी है आपका, एक बाइट लो। नहीं मुझे नहीं अभी खाना, नहीं नहीं, नहीं खुद का बना अच्छा ही लगता है, टेस्ट करो पता चलेगा ना, लाइए
लाइए। खिलाता हूँ। अच्छा है। अच्छा है ना? नॉट बैड, बट जो मैं बनाती हूँ ना, चलो तुम बना के वैसा नहीं लग रहा मुझे। चलो तुम बना के दिखाओ। मैं अभी बनाने ही वाली हूँ। चलिए अभी मेरे मैं इजी सिंपल आप लोगों को 5 मिनट के अंदर भी नहीं, 2 मिनट के अंदर रेडी करके दे दूंगी। ठीक है, तो मैं फटाफट से अभी 2 मिनट में आपको रेडी करके दे दूंगी। और अगर आपको 50 जन के भी पाव एक साथ बना के देने होना तो इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाउल पहले तो मैंने ले लिया है छोटा सा, बिकॉज मुझे अकेले के लिए बनाना है। चलो फटाफट 2 मिनट 2 मिनट आपको देता हूँ। अच्छी बात है। सबसे पहले इसमें देखिए आलू ऐड कर देंगे, आलू और चने की जो मैंने देखो पता चलता है खाने का मन हो जाता है। फिर मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, आपको नहीं बोलना है। आपके मैं बोल रही थी बीच में कुछ बोल रही थी तुम। अब इसके अंदर चले जल्दी से यहाँ पे कैमरा रख दीजिए। सब चीजें ऐड होने लगेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पीनट्स ऐड हो गए, उसके बाद इसमें ऑनियन ऐड हो गई, टमाटर मुझे ऐड नहीं करने हैं, तो फिर बाकी क्या रहा? देखो बहुत इजीली बनाऊंगी। टमाटर मुझे नहीं पसंद, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप बना सकते हैं। और मैं इसमें तीखी वाली चटनी ऐड नहीं करूंगी। सबसे पहले इसमें थोड़ी सी मैं गुड़ वाली चटनी ऐड कर दूंगी इसी में, और थोड़ी ये ग्रीन वाली ऐड कर दूंगी। देखो इसे थोड़ी बोलते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अब इसमें ऐड करूंगी मैं देखिए मिर्ची पाउडर, बिकॉज मैंने ऐसे ग्रीन वो जो चटनी है मुझे ऐड कर रहे थे ना वो नहीं ऐड की, क्योंकि वो पानी वाली है। नहीं इसलिए नहीं, वैसे भी मैं नहीं ऐड करती। देखिए अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हो गया, अभी इसमें मैं ये ऐड करूंगी, ये जो चना दाल है ना वो, और थोड़ी सी इसमें ना मैं ऐड कर लूंगी ये वाली भुजिया। अब वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कर सकते हैं, नहीं पसंद हो तो नहीं, मुझे ज्यादातर नहीं पसंद है इसमें, इसलिए मैं थोड़े से ही ऐड कर रही हूँ। और वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। सबको साथ में भी मिक्स कर सकते हैं। हो गया, अब ये पाव ले लीजिए। ये पाव ले लेने का तो कट लगाने का, कट लग गया मेरे जैसा चलता है। और मैं ना इसमें कुछ ऐड नहीं करती, कुछ मतलब कुछ नहीं, सीधा ऐसे रख के ये जो बनाया होता है ना उसे ऐसे रख देना। अब क्या करेंगे पता है आपको? इसे अच्छी तरह से इस तरह से पैक कर देंगे। देखो नीचे से टूट गया। नहीं टूटा नहीं है, मैंने पहले ही बोला था ना वो तो कि मुझसे तो टूट ही जाएगा। अब इसके ऊपर वापस से थोड़ी सी इस तरह से अनियन ऐड करेंगे, जैसे वो दाबेली में करते हैं ना वैसे। ये दाबेली बनाई है तुम्हारी? नहीं दाबेली नहीं, मैं तो बोलूंगा ये दाबेली बनाई है। वो तो आपको अच्छा लगेगा ना, फिर से ऐड कर देंगे। देखो दो दो बार इसने ये चीजें ना ऐड की है, सभी चीजें ना दो बार ऐड की है इसने। अब ये फिर ये बोलेगी कि ये अच्छा है ये अच्छा। नहीं मैं अपने ही वखान करूंगी। देखिए अब ये मार्केट में मिलता है ना बिल्कुल वैसा हो गया है। देखिए हेमल ने कितना टाइम लिया था, अब मैं इसे टेस्ट करूंगी। और हेमल को ये दाबेली बनाया तुमने? दाबेली कोई बात नहीं, मुझे दाबेली भी चलेगी। लीजिए टेस्ट लीजिए। लाओ मैं भी टेस्ट करता हूं। हेमल को थोड़ा नहीं पसंद आएगा, बिकॉज क्या है ना मैंने इसमें थोड़ा स्वीट कम ऐड किया है, हेमल को ज्यादा पसंद है। चलो कोई बात नहीं। सच वाला रिव्यू दूं मैं, इसमें ना चटनी बिल्कुल नहीं है। हाँ पर मैंने एडिट नहीं की ना, मैंने वही बोला चटनी है पर स्पाइस है, मीठा नहीं है। अब आप कमेंट करके बताना कि किसका इजी और किसका अच्छा है। ठीक है चलिए। इजी तो तुम्हारा ही है। नहीं अच्छा किसका है ऐसा बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा किसका है? नहीं वैसे ना रीच बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बट इसमें टमाटर नहीं है, मुझे और गुड़ वाली चटनी। और गुड़ वाली चटनी कोई बात नहीं मुझे पसंद। और रिच को ना स्पाइसी पसंद है। हाँ मुझे तो गुड़ पसंद ही नहीं है, मैं स्पाइसी खाती हूँ। चलिए तो अभी फटाफट से हम लोग हमारा डिनर कंप्लीट करते हैं। ये टेस्ट फुल से पाव हम लोग कमेंट करके जरूर बताना। हाँ हेमल बोल रहे पर्सनली कौन सा वाला बेस्ट है वो आप लोग कमेंट करके प्लीज प्लीज बता दीजिएगा हेमल के लिए, क्योंकि आज हेमल ने बनाया ना इसलिए पर्सनली बोल रहे हैं। चलिए तो अभी डिनर कर लेते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल हरी मधु लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। पाव बनेगा तो 2 दिन निकल जाएंगे, कोई बात नहीं चलेगा 2 दिन। चलिए कीजिए, हमें पनवेल निकलना है कल सुबह। Deep in the shadows, I know it's hard.